नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल हॉलीवुड एयरपोर्ट पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा जख्मी, पुलिस की गिरफ्त में हमलावर। आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुलशन कैफे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड नूरुल इस्लाम को किया ढेर, तो वही हिंदू पुजारी की हत्या में शामिल आतंकी सद्दाम हुसैन को भी मार गिराया। अमेरिका में खुफिया प्रमुख जेम्स क्लैपर का दावा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस ने ही किया था साइबर हमला, चुनाव को प्रभावित करने के लिए फैलाई थी झूठी खबरें। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ को मिली बड़ी जिम्मेदारी, इस्लामिक देशों के सैन्य संगठन के बने प्रमुख, आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाया गया है संगठन। अवैध इजरायली बस्तियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ इजराइल का बड़ा फैसला, यूएन को मिलने वाली आर्थिक सहायता में की $60 लाख की कटौती, यूएन की सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीन में अवैध इजरायली बस्तियों को खत्म करने का प्रस्ताव किया था पारित। और कनाडा के पोर्ट हार्डी में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।